गई भाई। ओ भाई टक्कर है भाई, ओ भाई, ओ भाई, भाई 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 ले रही क्रेटर। बाट 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 भाई, सेफ 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 सेफ। ए निकली, निकल गई, निकल गई भाई, निकल गई। पर ज्यादा गैप नहीं है भाई, बराबर। जो भाई चली गई, चली गई भाई, चली गई, चली गई भाई, चली गई, चली गई भाई, चली। तो हेलो भाइयों, कैसे हो सारे, उम्मीद करता हूँ ठीक हो गए। रियान यादव ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो भाइयों देख सकते हो भाई, आज अमेजिंग ड्रैग रेस लेकर के आया हूँ आपके लिए। होंडाई की क्रेटा 1.6 CRDI इंजन के साथ, जो डीजल इंजन है इसका। बाकी भाई महिंद्रा की तरफ से आने वाली XUV500 जो कि है भाई शुभम सागवान भाई की। आप देख सकते हो यहाँ पे इनका यूट्यूब भी है, यूट्यूब चैनल भी है भाई, जाकर के सब्सक्राइब कर देना भाई को। तो भाई अगर इनकी पावर फिगर्स की बात करूँ ना, तो इनकी पावर फिगर्स भाई 2200 CC का डीजल इंजन इसके अंदर आता है भाई, XUV500 के अंदर, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 140 BHP के साथ साथ 320 Nm टॉर्क। वहीं अगर भाई क्रेटा की बात करूं, तो क्रेटा का भाई 1600 CC का डीजल इंजन है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है भाई 126 BHP के साथ साथ 260 Nm टॉर्क। तो भाई पहले मिलवा देता हूँ भाई जो XUV के हमारे ओनर है, शुभम भाई। शुभम भाई कैसे हो भाई? बिल्कुल स्वागत है भाई हमारे YouTube चैनल पे। तो भाई क्या लगता है रिजल्ट, पावर फिगर्स अगर देखी जाए तो भाई XUV की ज्यादा है भाई, वेट फिगर भी देखो। हाँ वेट फिगर भी ज्यादा है भाई। हाँ। और सेगमेंट अलग है, सेगमेंट अलग है, पर भाई ये कह सकता हूँ कि अगर इस सेगमेंट में ये गाड़ी भागती तो इस सेगमेंट में इस गाड़ी के टक्कर की नहीं है, नहीं होती है ना। हाँ तो बेशक सेगमेंट अलग हो, लेकिन अपनी अपनी सेगमेंट में भागने के रूप में तो A1 है गाड़ी। हाँ भाई, भाई फर्क बताऊँ कहाँ सकता है कि अगर इसका वेट कम फैक्टर छीन लो, अगर मेरी में दो है, इसमें तीन भी है ना, तो ये दाब मान सकती है और ये हार जाएगी भाई। बाकी एक चीज और है शुभम भाई, आपकी गाड़ी चल कितनी चुकी है भाई? 236,000। 236,000 चल चुकी है आपकी गाड़ी, दो कितने साल, 9 साल में। हाँ। तो भाई कितना चला दिया महिंद्रा का इंजन, इतनी उम्मीद नहीं होती महिंद्रा के इंजन से कि इतना चल जाएगा। और अभी भी ड्रैग रेस कर रहे हैं भाई, और ये इसके साथ आपने ड्रैग रेस देख ही ली होगी चैनल पे, अपने अपने बिच्छू के साथ हुई है। बिच्छू भाई इसने बहुत मारा है, रुआ रुआ कर। चलो कोई नहीं, एक बाप के दो बेटे हैं, चाहे ये जीते या वो हारे, या वो जीते ये हारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी भाई तो भाई क्रेटा के ओनर से बात कर लेते हैं एक बार। कैसे हो भाई? गौरव भाई स्वागत है आपका रिहान यादव ब्लॉग्स में। तो भाई क्या लगता है रिजल्ट क्या रहेगा भाई? रिजल्ट जैसा है, वो गाड़ी बहुत पावरफुल है। जी भाई ठीक है, ये भाई 1.6 में मशहूर है। जी भाई इसके पास एडवांटेज है सिर्फ लाइट वेट का, लाइट वेट का बस। हाँ जी भाई, अगर लाइट वेट का एडवांटेज ना हो तो भाई क्लियर भी ना रहे वो। जी और भाई वीडियो में देखते क्या होता है। बाकी भाई आपने जो है ना स्टॉक अलॉय तो नहीं लग रहे मेरे को, ये देख सकते हो आप, है ना, कस्टमाइज अलॉय है। तो कहीं ना कहीं भाई एरोडायनेमिक जो है इसके, एरोडायनेमिक वो कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत गाड़ी पे फर्क पड़ता है। तो बाकी देख लेते हैं भाई, सेगमेंट बिल्कुल अलग है भाई, है ना, बिल्कुल डिफरेंट सेगमेंट है। बाकी देख लेते हैं भाई क्या रहता है रिजल्ट। देरी ना करते हुए शुभम भाई चलाएंगे अपनी XUV और गौरव भाई चलाएंगे अपनी क्रेटा, ठीक है भाई? तो भाई कितने लोग बैठेंगे स्टार्टिंग में? दो कर लेते हैं, चलो ठीक है ऐसा कर लेते हैं। तो भाई मैं और शुभम भाई बैठ रहे हैं भाई, बाकी भाई दक्ष भाई बैठ रहे हैं। तो ठीक है भाई बैठता हूँ मैं अब XUV के अंदर। तो भाई इसके अंदर आता है XUV के अंदर ट्रैक्शन, उसके अंदर नहीं है भाई ट्रैक्शन वगैरह कुछ भी, ठीक है। ESP ऑफ कर दिया भाई, ठीक है रेडी। AC ऑन ट्रैक्शन ऑफ, ठीक है रेडी। तो भाई पहला राउंड भाई ले जाएगी। मैंने बोला था ये देखो बराबर में चल रही है भाई, बराबर में ये देखो ले गई भाई। ओ भाई टक्कर है शुभम भाई, टक्कर है भाई। बस भाई टक्कर है भाई। भाई इस राउंड की विजेता किसको कहोगे शुभम भाई? भाई है किसको कहोगे? तो टाइसा हो गया यार, थोड़ा लंबा ट्रैक चाहिए XUV और क्रेटा को, है बिल्कुल चाहिए, थोड़ा लंबा ट्रैक चाहिए भाई, जरूरत है भाई। नीचे करना सीधा। हाँ भाई भाई थोड़ा हाँ, बाकी मैं ये कह रहा हूँ भाई लंबा ट्रैक चाहिए XUV और क्रेटा के लिए। टक्कर का मुकाबला हो गया, बिच्छू वाले नहीं है। मैंने भाई बोला था इसके पास लाइट वेट का
हाँ भाई जी चलो सेकंड राउंड करते हैं भाई इधर से ही। ठीक है भाई, ठीक है भाई, भाई थोड़ी सी पीछे ले लो, सेकंड राउंड इधर से ही करेंगे स्टार्ट। भाई फर्स्ट राउंड थोड़ा यार डाउटफुल सा लग रहा है मेरे को, क्योंकि ना यार थोड़ा सा टाई सा हो गया भाई। आपने देखा होगा बगल बगल में आ रही थी भाई क्रेटा, ठीक है भाई इसमें बॉडी वेट ज्यादा है, उसके अंदर कम है, बट भाई टक्कर दे रही है भाई एक्सयूवी 500। ये उम्मीद नहीं थी भाई मेरे को कि भाई ये चीज पलट जाएगी। थोड़ा सा ट्रैक लंबा चाहिए भाई, ट्रैक थोड़ा छोटा है बस, यहाँ पे गाड़ी जाती है 100-120, उससे ज्यादा भाई जा नहीं पाती यहाँ पे। बाकी भाई अब देखते हैं करके सेकंड राउंड इधर से ही कर रहे हैं भाई, ठीक है भाई। कैसी लगी परफॉर्मेंस भाई? परफॉर्मेंस बढ़िया लगी भाई, 236 चलने के बाद भी परफॉर्मेंस तगड़ी दे रही है भाई। शीशा आप कर लेना तो भाई देख लेना परफॉर्मेंस क्या रहेगी भाई, शीशा आप कर लो। ओ भाई ले रही क्रेटा, क्रेटा टक्कर, पर इतने गैप से नहीं है भाई जितने स्कॉर्पियो और आई थी इसने। बाट भाई सेफ। ये भाई इतने गैप से नहीं है, लंबा ट्रैक चाहिए भाई, लंबा चाहिए भाई लंबा। क्या कहोगे बिठा लेते हैं बंदा यहाँ पे। बाकी अब देखते हैं कुछ करके क्या रहा रिजल्ट, पीछे कर लो भाई एक बार, है ना? सब ओके था ना भाई? सेकंड राउंड विजेता रही क्रेटा, और फर्स्ट राउंड भाई थोड़ा डाउटफुल सा है यार, लैग मार गई थी ना, तो भाई टाई सा टाई माने या विजेता माने स्कॉर्पियो उसको, सॉरी एक्सयूवी को। तो भाई फर्स्ट राउंड छोड़ रहा हूँ भाई आपके ऊपर, क्या रहा रिजल्ट आप लोग कमेंट में बता देना, क्रेटा विनर थी फर्स्ट राउंड में या फिर एक्सयूवी विनर थी, आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ भाई रिजल्ट। बाकी सेकंड राउंड में भाई क्लियरली क्रेटा विनर थी भाई, ठीक है। बाकी अब थर्ड राउंड कर रहे हैं भाई, थर्ड राउंड में बिठाएंगे भाई एक एक बंदा और बिठाएंगे तीन दोनों गाड़ियों के अंदर, देखते हैं भाई क्या रहता रिजल्ट फिर उसके बाद। भाई इस बार कर लिया हमने एक्सयूवी का एसी ऑफ, और भाई इसका ट्रैक्शन ईएसपी ऑफ है। बाकी भाई थर्ड राउंड करके देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। 1-2-3 भाई करेगा, 1-2-3 भाई कर देगा ये खड़ा भाई। बाकी भाई एक डेड, ठीक है डेड पे तूने तीन कर दिया, मैं क्या करूंगा था ऐसे कर लिया तो 1-2-3 मेरे का हाथ मार ले यार, डेड पे तीन कर दी, गणित खराब है। चलो कोई नहीं, आवाज तो सुनाई नहीं दे रही, उंगली भाई सब ढंग से कर नहीं रहे। चलो देखते हैं भाई रिजल्ट क्या रहता है भाई। एक सेकंड, कोशिश रहेगी जीतने की, कोशिश तो हमेशा रहती भाई। अरे कर लो भाई साहब, एक भाई निकली एक्सयूवी निकल गई भाई निकल गई, पर ज्यादा गैप नहीं है भाई, बराबर में। अब आएगी क्रेटा, आप देख सकते हो भाई अब आएगी क्रेटा। चलो भाई चली गई भाई। इस राउंड की विजेता भाई एक्सयूवी 500 सुमो भाई वाली, साफ एक तरफा भाई। उसका एसी ऑन था भाई, ऑफ था उसका भी, दोनों गाड़ियों का एसी ऑफ था भाई थर्ड राउंड में, बट भाई इस राउंड की विजेता रह गई। अब मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा रेहान भाई के व्यूअर्स को। हाँ भाई देख लो भाई, 237 मान लो ना, 237 है भाई, 237,000 चल चुकी है। ये देख सकते हो आप मीटर इसका, और परफॉर्मेंस देख लो भाई क्या दे रही है गाड़ी, और कहीं से भी आवाज नहीं है भाई, गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूँ खुद, सस्पेंशन में कोई काम नजर नहीं आ रहा। बाकी भाई इसका रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा भाई। बाकी देखते हैं भाई अब क्या रहता है रिजल्ट। हाँ विल स्पिन ज्यादा मार रही थी ना, पकड़ रही थी, बट ट्रैक भाई फिर भी भाई विजेता हो गई। मैं बोला था वेट का एडवांटेज, अगर वेट का एडवांटेज नहीं हो तो विनर यही है। हाँ भाई, तो भाई कुछ ये थी भाई वीडियो बढ़िया निकल गई भाई, ये तो है बढ़िया आई पर भाई, ये थी कुछ वीडियो आपके सामने। एक राउंड ले गई भाई क्रेटा, ठीक है तीन राउंड करे थे भाई, एक राउंड ले गई क्रेटा, एक रह गया टाई, वो आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। थर्ड राउंड में भाई एक्सयूवी क्लियरली विनर हुई। तो भाई
वीडियो पर, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना भाई कैसी लगी वीडियो। ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपका भाई आपके लिए लाता रहता है। तो भाई अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर देना। टिल देन बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग के अंदर।